वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेने वाले 12th OCM का चैप्टर नंबर 1, जिसका आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख सकते हो। तो देखो, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जानने वाले कि आखिर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। देखो, सिग्निफिकेंस का मतलब ही होता है क्या, मतलब बेसिकली सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंस होता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के क्या इंपॉर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि अगर हम उन्हें नहीं पढ़ते, उन्हें नहीं समझते प्रिंसिपल्स को मैनेजमेंट के, तो क्या क्या उसके कॉजेस होंगे, एंड देन अगर उनको हम समझ जाते हैं तो उनके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको जानने को मिलने वाली है कि अगर हम इसे पढ़ते हैं तो इससे क्या क्या हमें फायदे मिलेंगे, क्या क्या घाटे होंगे अगर नहीं समझेंगे। इसके इंपॉर्टेंस के बारे में हम जानने वाले इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, और बेसिकली पेपर के अंदर इससे रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चन आते भी है, क्योंकि ये एक मतलब क्वेश्चन पूछने वाला थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन लाइक एक मतलब बेसिकली टॉपिक है, इसलिए पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको आने चाहिए। और इसके टोटल 7 इंपॉर्टेंस दिए गए, यानी कि ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा है साइंटिफिक डिसीजन, चौथा है अंडरस्टैंडिंग एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पांचवा है इनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, छठवा है हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, एंड सातवा वाला है डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। और इन सातों पॉइंट्स को, इन सातों इंपॉर्टेंस को याद रखने के लिए अच्छे से मैंने आपको कमेंट सेक्शन में एक शॉर्टकट भी बना के दिया, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं, और वहां पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया उस शॉर्टकट को, तो आप लोग जाकर वहां से देख सकते हो याद रखने के लिए सारे के सारे 7 के 7 पॉइंट्स पेपर में लिखने के लिए, ठीक है। अब इसके डिटेल वे में हम एक एक करके सबके पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट्स टू मैनेजर्स, यानी कि इसका मतलब क्या होता है ये देखो, मतलब क्या कि हमारा जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो हमारे मैनेजर्स को बताता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, हमें क्या करना चाहिए ये बताता है, यानी कि उन्हें इंफॉर्मेशन देता है कि आपको क्या क्या करना है, किस भी सिचुएशन के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करना है, ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एक मैनेजर को प्रोवाइड करते हैं। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी मैनेजर को समझना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है, तो उसके पर्टिकुलर कुछ भी अंडरस्टैंडिंग और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने का जो काम है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल करते हैं। तो ये सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट है, और उसके बारे में यहाँ पे डिटेल वे में पॉइंट्स में बताया गया है, जिसको आप देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो हमको हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को समझने में, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की है, हमें किस तरह के बदलाव लाने की जरूरत है, ये सारी चीज़ों को समझने में ऑर्गेनाइजेशन को जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो हमें मदद करती है, मैनेजर्स को मदद करती है, ठीक है। हम मतलब कौन, मैनेजर्स। अब द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम, मीन्स कि अगर हम जिस तरह से प्रिंसिपल्स को समझते जाते हैं, अच्छी तरह से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को समझ जाते हैं, वैसी हमारी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होती जाती है कि अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो उसे हमें क्या, उस टाइम पर हमें क्या करना है, ठीक है। मतलब जैसे हम प्रिंसिपल्स को समझते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वो इम्प्रूव होती जाती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट फर्दर हेल्प द मैनेजर्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड हैंडल सिचुएशंस, यानी कि और ये मैनेजर्स को हेल्प करती है कि किस तरह से किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है किसी भी प्रॉब्लम को, ये भी सिखाने का जो काम है वो हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ही करता है। तो ये भी बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। देन आगे लिखा है इसी के बारे में और डिटेल में समझाया गया है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल। अब मैं आपको अपना लास्ट लेक्चर जो था उसी का एक बात याद दिलाता हूँ। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो काफ़ी सारे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बाद बनते हैं, और वो जो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में होती है, अलग अलग मैनेजर्स के साथ होती है। तो वो जो अलग अलग लोग होते हैं उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहते हैं जिससे मिलकर वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनते हैं, और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो काफ़ी सारे लोगों के एक्सपीरियंस का आउटकम है जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम उनके जो एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल कर सकते
सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यही पॉइंट में दिया गया, द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल्स इज हेल्पिंग मैनेजर्स अबाउट मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है उनके इस्तेमाल से हम पता कर सकते, मतलब मैनेजर्स जो है उनको मदद मिलती है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर किस तरह से एक्ट करना है, यानी कि अपने आपको किस तरह से एक्टिव रखना है, किस तरह से बिहेव करना है उस सिचुएशन के अंदर। ये सारी चीज़ों का जो मतलब बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो हमारा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल बताता है, हमें हमारी मदद करता है कि किसी भी सिचुएशन के अंदर हमें कैसे एक्ट करना है। देन आगे लिखा है, दिस टाइप ऑफ टाइमली गाइडेंस रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड द गोल्स कैन बी अचीव्ड इन एप्रोप्रिएट मैनर। और इस तरह से मतलब हर टाइम पे हमें जब हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स गाइड करते रहते, बताते रहते कि इस प्रॉब्लम में क्या करना है, उस प्रॉब्लम में क्या करना है, जिसकी वजह से क्या होता है हम वेस्टेज कम कर देते हैं, रिड्यूस वेस्टेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है और इसके वजह से हमारे गोल्स जो होते हैं वो भी अचीव हो जाते हैं एक अप्रोप्रिएट मैनर, मतलब क्या अच्छे तरीके से सही तरीके से हमारे जो गोल्स है वो भी अचीव हो जाते हैं। तो इस अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो गोल्स है वो अचीव हो जाए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टेज कम हो और एंड देन किसी भी प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल सके, तो उस टाइम पे हमारा जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस टाइम पे, क्योंकि वही सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करता है। अलग अलग लोग जो है पीपल्स जो है जो प्रोफेशनल लोग हैं उनकी एक्सपीरियंसेस से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनते हैं और उनका इस्तेमाल करके हम किसी भी मतलब सिचुएशन को हैंडल कर सकते और ये समझ सकते कि किसी भी सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। अब जो दूसरा वाला हमारा इम्पोर्टेंस है वो है हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी देखो अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो हमें ये सबसे पहले देखो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनाए इसलिए गए हैं कि हमारा जो गोल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके, वेस्टेज कम हो, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मतलब काम अच्छे से होने के लिए मैनेजमेंट होती है। बेसिकली आपको मालूम है मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हम किस तरह से अपना काम जो है वो लोगों से करवा सकते हैं, तो वो काम जो है वो अच्छी तरीके से होने के लिए ही इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। तो अच्छी तरह से एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज का वो होने में हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है देखो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। पहला होता है फिजिकल रिसोर्सेज जो आपको फर्स्ट पॉइंट में दिख रहा होगा। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब क्या जितने भी मटेरियल मशीन्स होते मनी मतलब जितने भी चीज़ें जो भी फिजिकल चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल से हम अपने प्रोडक्ट्स को बनाने वाले अपने जो भी हमारी सर्विसेज या फिर गुड्स है उन्हें बनाने वाले, तो वो जितने भी रिसोर्सेस है मटेरियल जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं उन्हें हम फिजिकल रिसोर्सेस कहते हैं। एंड देन जो ह्यूमन रिसोर्सेस यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ है हमारे जो लोग है जो मटेरियल को इस्तेमाल करके हमारा जो प्रोडक्शन है वो करने वाले, तो इन दोनों रिसोर्स ये दो टाइप के हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब जो बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, सेकंड पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का ये वो ये होता है कि हम इन रिसोर्सेज को बैलेंस वे में मतलब अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हर जो रिसोर्सेज हमारे पास उसको अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूज़ कर सके, जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ कर सके, अपना जो कंट्रोल वेस्टेज और जो बेसिकली रिसोर्सेज उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सके, इसके लिए ही मैनेजमेंट को बनाया जाता है और यही मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन भी होता है, काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आगे लिखा है कि विल मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट मैनेजमेंट ऑलवेज यूज टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। तो जब भी अगर हम चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं मतलब जितने भी एम्प्लॉयज है वो अच्छे से काम करें, एक डिसिप्लिन में काम करें, कोई भी किसी से झगड़ा झुगड़ी ना करे, एक हेल्दी एनवायरमेंट रहे कि लोग झगड़ा झुगड़ी ना करें, अच्छे से काम करें, सब डिसिप्लिन में वर्क हो, तो उस टाइम पर अगर मैनेजमेंट चाहता है कि इस तरह से काम हो तो मैनेजमेंट क्या करता है बहुत सारे प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करता है, बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। तो इस टाइम पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते, अगर मैनेजमेंट चाहता है कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन रहे, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, तो उस टाइम पे हमारे पास प्रिंसिपल का होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन और हेल्दी इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए। देन आगे लिखा है कि इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कॉर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो अफेक्ट द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि क्या कि
अगर मतलब बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है वो इसमें भी मदद करते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ है और हमारी जो मैनेजमेंट है उनके बीच में एक रिलेशनशिप भी बना देती है कि मैनेजमेंट के जो लोग हैं और जो एम्प्लॉयज़ है उन दोनों में रिलेशन बन जाता है। एम्प्लॉयज़ समझते हैं कि हमारी मैनेजमेंट क्या चाहती है कि हम क्या करें, यानी कि एम्प्लॉयज़ को पता चल जाता है कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो ये चाहती है कि हम इतना काम करें तब हमारी मैनेजमेंट खुश रहेगी। जिसकी वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ है वो भी अपना काम सही से कर पाते हैं, उन्हें समझ जाता है कि हमें करना क्या है आखिर, एंड देन मैनेजमेंट भी जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी अच्छे से काम कर पाता है। तो इसकी वजह से काफी ज्यादा जो काम है वो अच्छे से हो पाता है। तो इसलिए अच्छे से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज के लिए मैनेजमेंट काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। और एक एग्जाम्पल इसी का दे जो आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया गया है, बताता हूँ। देखो, मान लेते जो रिसोर्स मतलब बेसिकली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ने आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में लिखा है ऐसा कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नई नई चीज़ें लानी चाहिए, मतलब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें नई नई चीज़ें सिखानी चाहिए, यानी नए नए जो मशीन्स है, जो स्टैंडर्ड टूल्स है उनके बारे में बताना चाहिए, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको हटाकर नई नई टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके वजह से हमारा जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो सके और एफिशिएंसी लेवल बढ़ सके। ठीक है, तो उसके लिए एक मान लेते हैं हमारी एक कंपनी थी, हमने अपनी कंपनी में क्या किया, हमने अपनी कंपनी के अंदर जैसे कि यहाँ पर एक आपको इमेज दिख रहा है, हमारी कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय थी, ठीक है, वो हाथों से पहले कपड़ा सिलती थी। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक मशीन ला दिया, एक टेलर मतलब वो बेसिकली हमने क्या किया, उसको एक सिलाई मशीन ला कर दे दी कि अब लो इससे सिलो कपड़े। ठीक है, अब सिलाई मशीन ला दी तो उससे क्या हुआ, पहले जहाँ पर एक बेसिकली एक हफ्ते के अंदर वो एक कपड़ा सिल पाती थी, तो अब क्या होता था, अब एक दिन के अंदर 4-5 कपड़े सिल देती है। तो इसकी वजह से क्या, एफिशिएंसी बढ़ गई कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज था उसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे, हम मतलब बेसिकली उतने ही टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक ही आदमी से उतने कपड़े बनवा पा रहे। पहले एक ही आदमी एक हफ्ते में एक कपड़ा बन रहा था, अब एक ही दिन में इतने सारे कपड़े बन जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारी एफिशिएंसी लेवल बढ़ गई। तो इसलिए हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसे चेंजेस लाने चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें कौन सिखाता है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सिखाते हैं। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को समझना। ठीक है, अब नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा जो बेसिकली थर्ड जो इम्पोर्टेंस है वो है साइंटिफिक डिसीजंस। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर बेसिकली साइंटिफिक डिसीजन का मतलब होता है कि एक सिस्टमैटिक और बैलेंस डिसीजन जो होते हैं उन्हीं को हम साइंटिफिक डिसीजन कहते हैं। यानी कि एक सिस्टमैटिक यानी कि बहुत ज़्यादा रिसर्च की हो, वो जो डिसीजंस होते हैं उन्हीं को हम साइंटिफिक डिसीजन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिसर्च की है तब जाके हमने कोई डिसीजन लिया है। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स जो होते हैं यानी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर को ट्रेन करते हैं कि हमें किसी भी सिचुएशन के अंदर किस तरह से बेसिकली उस सिचुएशन को मतलब हैंडल करना है, वो सारे जो काम है वो किस तरह से हैंडल करना है, किसी भी प्रॉब्लम को, वो काम जो है वो मैनेजर्स को प्रिंसिपल ट्रेन करता है, बताता है कि आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, मैनेजर को ट्रायल और एरर बेसिस पे काम नहीं करना पड़ता, यानी कि ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है कि हमने मान लो कोई गलती की तो फिर हमने सुधार किया फिर वापस गलती हो, ऐसा काम नहीं करना पड़ता। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल पहले ही बता देते हैं कि आप अगर ये काम करोगे तो गलती होगी, इससे अच्छा ये काम करो, इससे आपको जो भी गोल्स है वो अचीव हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हमें ट्रायल और एरर बेसिस के ऊपर काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, देखो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिकली एस्पेक्ट से बनाए गए हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को किस तरह से अचीव किया जा सकता है, इसलिए बनाए गए हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब लेकिन ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं इनको इस तरह से डेवलप नहीं किया गया, इस तरह से बनाया गया नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो मतलब बेसिकली रिसोर्सेस है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेस हो या फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेस है, खाली उनको हैंडल करने के लिए नहीं बनाया गया है कि हम किस तरह से अपने रिसोर्सेस को इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क में ला सकते हैं। इन्हें इस तरह से भी बनाया गया है कि हमारे जो मैनेजमेंट जो है बेसिकली हमारे जो मैनेजर्स हैं उनको किस तरह से गाइड किया जा सकता है कि हमारी क्या क्या मतलब बेसिकली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे वो लोगों के प्रति हो यानी हमारे कस्टमर्स के लिए हो या फिर हमारे एम्प्लॉयज के लिए हो। जैसे एग्जांपल दूं तो जैसे कि हमारे जो एम्प्लॉयज है उनको हम अच्छी तरह से पगार दे सकते हैं, काफी सारे इंसेंटिव दे सकते हैं। मान लो किसी एम्प्लॉयज को चोट लग गई तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको मतलब
बेसिकली उसको जितने भी केयर है वो सब दे सके, उसको हॉस्पिटल का खर्चा वो सारी चीज़ें हम दे, या फिर हमारे कस्टमर को हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स दे, अगर हमारा प्रोडक्ट ख़राब निकलता है तो हम उसे रिप्लेस भी करके दे, ये सारी काफ़ी सारी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उनको वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें बताने का भी जो काम है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स करते हैं, ठीक है। सो दैट दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्ट सिचुएशन इन मार्केट, फेयर कंपटीशन, फेयर रिम्यूनरेशन, चेंज इन एनवायरमेंट, हेल्दी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी एक्सेट्रा। मतलब क्या कि हमें ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है हमें बताते हैं कि हमें किस तरह से अपने जो कस्टमर्स है उन्हें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है, इसके बारे में मतलब बेसिकली हमारा फोकस जो है उसकी तरफ भी डालते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी के बनाने हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सके, हम अपने जो एम्प्लॉयज़ है उन्हें अच्छी तरह से बेसिकली अच्छी जो पगार है वो देनी है, अच्छी रेम्यूनरेशन देनी है, देन हमें अपने जो प्रोडक्ट की प्राइस है उसको भी रीजनेबल बनाना है, अच्छी प्राइस भी रखनी है। तो ये सारे जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं हमारे आसपास के, हमारे सोसाइटी के, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज़ हो या फिर हमारे कस्टमर्स हो या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है, जितने भी हमारे लोग हैं उन सब के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनको भी समझाने का जो काम है हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स करते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब हमारा जो फिफ्थ वाला जो इम्पॉर्टेंस है वो है इंकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यानी कि देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी की जितने भी बिजनेसेस होती है उसके अंदर क्या होता है, हर वक्त जो सिचुएशन है वो बदलती रहती है। यानी कि देखो टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है, कभी कभी मतलब सिचुएशन ख़राब हो जाती है, कभी कभी सिचुएशन अच्छी हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन जो है वो बदलती रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है उनके अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस लाने पड़ते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंजेस लाने पड़ते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा बहुत डेवलप भी करना पड़ता है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें ये भी सिखाते हैं कि किस तरह से हमें समय के साथ साथ अपने अंदर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट लाना है, रिसर्च करनी है, यानी कि R&D करना है। R&D मतलब क्या कि हमें रिसर्चेस करनी है और उस हिसाब से अपने आप को डेवलप करना है ताकि हम लोगों से ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ा सके और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास एक अच्छी एज हो, बेसिकली हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन से आगे बढ़ सके, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें वो ट्रेन करता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक, यानी कि प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के वो डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है कि हर एक सिचुएशन के अंदर फिट हो जाते हैं। तो हर एक सिचुएशन के अंदर जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से वो जो प्रिंसिपल्स है उनको हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा होता है डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या कि हर एक सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज कर देना और उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स के मैनेजमेंट भी कुछ ऐसे ही है, देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजेस इन बिजनेस वर्ल्ड। यानी कि उनका जो नेचर है प्रिंसिपल्स का वो चेंज होता रहता है, जैसे जैसे बिजनेस का मतलब बिजनेस की जो ये जो दुनिया है जैसे जैसे वो चेंज होती रहती है, यानी बिजनेस के जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी सिचुएशन है वो जैसे जैसे चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे प्रिंसिपल्स के जो नेचर है वो भी चेंज होता रहता है, ठीक है। ओवर द ईयर दे हैव डेवलप्ड टू सूट द करेंट नीड, इट एनेबल्स द मैनेजर्स टू ब्रिंग कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट इन देम। यानी कि देखो ये जो बेसिकली इन प्रिंसिपल्स है ये हर वक्त मतलब काफ़ी सालों से चेंज होते जा रहे हैं, अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं ताकि वो जो अभी की नीड्स है उनको बेसिकली सेटिस्फाई कर सके, अभी के हिसाब से वो अपने आप को सूट कर सके। तो इस हिसाब से वो अपने आप को डेवलप करते गए हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, और इसके वजह से क्या होता है मैनेजर्स को भी आइडिया आता है, समझ आता है कि हमें किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना है इस सिचुएशन के हिसाब से, इस बदलती हुई बिजनेस वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है। मैनेजमेंट अडॉप्ट्स न्यू ट्रेंड एट वर्किंग प्लेस ऑटोमेटिकली। मैनेजमेंट जो है वो हमेशा नए नए जो तरीके हैं वो अपने आप बेसिकली ऑटोमेटिकली अपने अंदर ले लेता है। मैनेजमेंट एक बेसिकली ऑटोमेटिकली जो न्यू ट्रेंड सब अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। देन आगे लिखा है कि जो बेसिकली दिस गाइडलाइंस हेल्प द मैनेजमेंट टू मेक कंपेरिजन ऑफ यूज प्रिंसिपल्स विच इट्स एक्सपेक्टेड आउटकम इफ नीडेड। मैनेजमेंट कैन मॉडिफाई द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एज द मैनेजमेंट इज हैविंग लाइबिलिटी टू टेक डिसीजन एट देयर ओन। यानी कि देखो ये जो मैनेजमेंट होते हैं वो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते बताते हैं कि आपको किसी भी सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को
अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी हमको नहीं पसंद आता है कि नहीं ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल हमको नहीं पसंद है, तो हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बिल्कुल ऐसा है कि हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। यानी वो एकदम पानी की जैसा है कि हम चाहते तो है उसे पानी को पीना, लेकिन अगर मान लेते हैं एक गिलास के अंदर वो है और आपको गिलास का शेप पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसको दूसरे किसी और बर्तन के अंदर रख के उस शेप का लेकर आप पी सकते हो, तो अपने हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो उसको। तो बिल्कुल वैसा ही है, तो ये पानी की तरह है कि हर एक सिचुएशन के अंदर, यानी कि हर एक जो माहौल है उस हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है, यानी कि अलग अलग बर्तन के अंदर ये अलग अलग शेप ले लेता है। मैनेजमेंट बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब दिस ट्रेनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच टूवर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि देखो इसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साइंटिफिक अप्रोच भी करती है, यानी कि रिसर्चेस भी करती है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम क्या क्या मतलब बेसिकली डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को बेटर बना सके, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ा सकते और अपने प्रोडक्ट को बेटर बना सके। इसके लिए काफ़ी सारे रिसर्च करती रहती है, डेवलपमेंट करती रहती है, अपना ग्रोथ करती रहती है ताकि हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन से अलग बन सके, ठीक है। और इसी का एग्जांपल भी दिया गया है कि R&D की मदद से हम बेसिकली नए नए टेक्निक्स को फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ताकि मतलब हम अपने प्रोडक्शन जो बेसिकली किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो प्रोडक्शन फील्ड में हो, फाइनेंस में हो, मार्केटिंग में हो, ह्यूमन रिसोर्स कोई भी फील्ड का हो, उसके अंदर अलग अलग चीज़ को हम अलग अलग डिपार्टमेंट में नए नए टेक्निक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो ज़्यादा बेटर बन सके, जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उससे आगे बढ़ सके, ठीक है। तो उसी के बारे में दिया गया है। देन अब हमारा जो सिक्स्थ वाला जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो है हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। इससे रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि सबसे पहले बताया जाता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो हम लोग को गाइडलाइन बताते हैं, हमें बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन हो, यानी कि लोग एकजुट होकर काम करें, यानी कि टीम वर्क हो वहाँ पर, ऐसा नहीं कि सब अलग अलग काम करें, टीम वर्क हो, कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो और उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल हो, यानी कि सबके सब जितने भी आपके एम्प्लॉय से, चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लोग हैं सबके ऊपर आपका कंट्रोल हो आपके ऑर्गेनाइजेशन का, और हर एक जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सके। तो इसके बारे में हमारा मैनेजमेंट हमें बताता है, प्रिंसिपल्स बताते हैं कि आपको ये सारी चीजें किस तरह से कर सकते हो आप, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग अच्छे से काम करें, आपका पूरा कंट्रोल हो, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो ये सारी चीजें आपके प्रिंसिपल्स बताते हैं, ठीक है। इट इज वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। देखो ये मतलब बेसिकली बहुत एक मुश्किल टास्क है, मतलब डिफिकल्ट टास्क है कि हम किस तरह से अलग अलग डिफरेंट जो लोग हैं, अलग अलग जो एम्प्लॉय से अलग अलग डिपार्टमेंट को, उन सबको इकट्ठा करके एक साथ मिलजुल के काम करवाना, ये सब बहुत मतलब डिफिकल्ट टास्क है, एक मुश्किल काम है। लेकिन ये जो काम है बेसिकली, ये जो मतलब मुश्किल काम है, इसको हम कर सकते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की मदद से, ठीक है। मतलब इन ये सारे जो काम है हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफर सूटेबल सिस्टम विल एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यानी कि देखो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो हमें कुछ ऐसे सिस्टम्स बताते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सिस्टम मतलब क्या कि एक बेसिकली प्रोसेस कि किस किस तरह से आपको काम करना है, यानी कि आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इस तरह से सिस्टम बता देते हैं आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कि आपको आखिर काम करवाना किस तरह से है ताकि आपका जो काम है वो अच्छी तरह से हो सके। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल जो है वो बन जाता है, एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब हमारा आगे देख लेते हैं जो सेवन्थ वाला जो इम्पोर्टेंस है वो है डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच। इसका मतलब क्या होता है तो वो आपको बता देता हूँ। देखो ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि देखो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, सिचुएशन बदलती रहती है, तो इस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच, कि हमें अपने गोल्स को पाना है। हमारे मैनेजर्स जो है उस गोल्स को पाने के लिए क्या क्या अपना दिमाग लगा सकते हैं, अपना माइंडसेट किस तरह से वैसा बना सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज जो है उस प्रॉब्लम क्यों आ रहा है वो ढूंढ सके। देन वो ये भी पता कर सके कि कोई भी अगर मान लो सिचुएशन खराब चल रही है तो उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाए, ऐसी जो अप्रोच मतलब ऐसा जो माइंडसेट है वो किस तरह से डेवलप हो सकता है, तो वो हो सकता है डेवलप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की मदद से, ठीक है। तो वही
बताया जा रहा है कि ये हमारा माइंडसेट जो है वो डेवलप करने में मदद करता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप ऑन अप्रोच ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यानी कि काफ़ी सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की मदद से हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच को पा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन करेक्ट मैनर एंड कैन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ऑन इट, यानी कि मैनेजर्स जो है वो ये तक बता सकते हैं कि अगर मान लो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अभी एक खराब सिचुएशन चल रही है या फिर हमारी जो अभी मार्केटिंग है पूरी, मतलब मान लेते हैं हमारी कपड़े की अभी ऑर्गेनाइजेशन है, कपड़ा बनाते हैं हम, टेक्सटाइल और टेक्सटाइल की कंपनी हमारी, ठीक है, लेकिन अभी पूरा जो मार्केट है टेक्सटाइल का वो अभी खराब सिचुएशन में चल रहा है, तो उस टाइम के अंदर हमारे जो मैनेजर्स है अगर उनका मतलब माइंडसेट ऐसा बन जाए कि उस खराब सिचुएशन के अंदर भी वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने लग जाए कि अरे अगर अभी खराब सिचुएशन चल रही है तो उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हो सकता है, तो ऐसा माइंडसेट किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं, देन किसी भी प्रॉब्लम का हम रूट कॉज कैसे निकाल सकते हैं कि आखिर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आ ही क्यों रही है, इसका प्रॉब्लम मेन कॉज क्या है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की मदद से, एंड देन किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम इन्हीं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स से अपने आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो माइंडसेट है वो डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए रहेगा, मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल जिनकी मदद से हम ऐसा ऑब्जेक्टिव अप्रोच माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ मैनेजर, यानी मैनेजर्स के माइंड में भी ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखती है, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी अप्रोच है, एक माइंडसेट अच्छा है कि वो मतलब खराब से खराब सिचुएशन में भी ऐसे बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ लेती है, देन किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज ढूंढ लेती है, सॉल्यूशन भी पता कर लेते हैं, जिसकी वजह से मैनेजर्स को भी मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारी मैनेजमेंट जो भी डिसीजन ले रही है, जो भी हमें बता रही है, वैसा मैनर में ही हमें करना चाहिए क्योंकि जो भी वो डिसीजन लेगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वैसे हमारा बेसिकली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, टोटल 7 पॉइंट्स है, मैं आपको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, एक बार बता देता हूँ कि देखो क्या क्या होता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का। बेसिकली दो ही काम होता है, पहला काम यह है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो है वो मैनेजर को बताते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है अपने गोल्स को पाने के लिए, देन आपको किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को संभालना है, अपने जितने भी रिसोर्सेस है उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है, और हमारे जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको किस तरह से बेसिकली हमारी जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसको किस तरह से हैंडल करना है, सारी चीज़ें हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें सिखाते हैं, इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन जितने भी ये 7 के 7 पॉइंट है, अगर आपको ये याद रखना है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में एक शॉर्ट कोड दिया गया है, वहाँ से आप लोग याद रख सकते हो 7 के 7 पॉइंट, क्योंकि पेपर में हो सकता है मे भी आप 1-2 पॉइंट भूल जाओ कि यार 7वां वाला क्या था या फिर 6वां वाला क्या था, 5वां वाला क्या था, तो उस टाइम पर ये शॉर्ट कोड काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप शॉर्ट कोड देख सकते हो। सो यहाँ तक ही हम लोग देखने वाले, हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो मैनेजमेंट के जो थ्योरी बेसिकली जो प्रिंसिपल्स है, जो मेन प्रिंसिपल्स है हेनरी फॉल के और आगे के जितने भी प्रिंसिपल्स है वो सब स्टार्ट करने वाले, तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो यहाँ पे इस प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हो, वरना चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर पसंद आई है, और नहीं पसंद आई है तो अनलाइक भी कर सकते हो, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर देना ताकि वो भी जान सके कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इतने इंपॉर्टेंस की हुए, और पेपर में सबसे ज्यादा पूछने वाले यही क्वेश्चन है, तो इसलिए ये उन्हें शेयर कर दो अपने दोस्तों के, जितने भी आपके ग्रुप से उनमें शेयर कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।